सितंबर टू दिसंबर फुल ऑफ फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी, करवा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर एंड यस सो मेनी वेडिंग्स एंड ऑल सो मच ऑफ फेस्टिव फूड। और इस समय हमें सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? वी विल ईट एंड वी विल पुट ऑन वेट एंड यस दैट इज व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन मैनेज योर वेट एंड इफ यू आर इन योर वेट लॉस प्रोग्राम यू कैन लूज वेट अलोंग विद एंजॉयिंग योर फेस्टिव फूड। हाउ? फर्स्ट, कीप वॉकिंग एवरी डे। जो भी आपका अपना वर्क का या एक्सरसाइज का जो भी आपका रूटीन है, योगा करते हैं या जुम्बा करते हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसको आप खराब मत कीजिए। नंबर टू, स्टे हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। वेयर द फूड इज कंसर्न, इंजॉय योर फेस्टिव फूड, कंट्रोल अ पोर्शन अ लिटिल बिट एंड बी माइंडफुल। बिकॉज क्या रहता है कि जब हम वहाँ जाते हैं और हमें वहाँ पर टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची कुछ खाने को मिलता है तो हम कुछ खाते नहीं है, बहुत कुछ खा जाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। सो यही मेन रीजन रहता है आपके वेट पुट ऑन होने का। सो आप अपने मेंटोर से डिस्कस करके चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, सो आपको गाइड कर सके कि विच ऑप्शन आर सुटेबल फॉर यू। एंड ऑन नॉर्मल डेज ईट होम कुक्ड फूड। नॉर्मल डेज में आप घर बाहर का खुद मत कुछ मत खाइए, घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाइए। बिकॉज सो मच थिंग्स आर हैपनिंग देयर, सो मच ऑफ फेस्टिव फूड इज देयर। जस्ट लाइक अगर आपको लगता है कि आज लंच में मेरा हैवी होने वाला है या बाहर जाने वाले हैं, सो यू कैन हैव फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट एंड बॉल ऑफ सूप फॉर डिनर। सो मैनेज ऑल दीज थिंग्स, इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मील एंड योर रूटीन एज वेल। सो ऑल द बेस्ट, डोंट पुट ऑन वेट बिकॉज दीज 4 मंथ्स आर गोइंग टू बी ट्रिकी एज ऑलवेज। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।